दोस्तों ड्रीम 11 का तो आप सबने सुना ही होगा, जहां पर भैया फेसबुक की बात करो चाहे बात करें इंस्टाग्राम की, ट्विटर की, बहुत सी जगह आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जहां पर भैया बहुत बड़ा सा एक फोटो लगा होता है, लिखा होता है भैया राम ने या फिर राजेश ने जीते हैं भैया 61 लाख रुपए, और आप भी यहां पे क्लिक कीजिए, शायद आप भी जीत जाएंगे 11 लाख रुपए या फिर 51 लाख रुपए, पता नहीं क्या क्या। और इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल मैंने इसलिए लगाया यहां पे क्योंकि आप भी ऐसे ही कुछ थंबनेल्स देखने के बाद वहां पर क्लिक कर लेते हैं, और मतलब मैं आप सबको यहां पर इसी चीज के बारे में बताने वाला हूं। एक्चुअल के अंदर ये जो वीडियो है ना, यहां पर कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और ना ही मैं इस ड्रीम 11 को यहां पे मतलब प्रमोट कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं है। यहां पर सिर्फ मैं ड्रीम 11 की यहां पे बात करने वाला हूं कि ये हमारे लिए कैसे यहां पे नुकसानदायक साबित हो रहा है और फ्यूचर के अंदर और भी ज्यादा यहां पे भैया नुकसान इससे हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं एंड्रॉइड गुरु जी। दोस्तों मोस्टली जब हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं ना कोई फोटो वहां पर जहां पर लिखा होता है भैया उसने जीते 11 लाख रुपए, उसने जीते वहां पर 51 लाख रुपए, तो हमारा भैया मन करता है कि हम भी वहां पर इन्वेस्ट करें और क्या पता हम भी थोड़ी बहुत वहां पर मतलब मनी जो है ना वहां पर अर्न कर पाए, और ऐसे के अंदर हम वहां पर थोड़ा सा पैसा कमाने के चक्कर में हमारी मेहनत की कमाई को वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं और वहां से जो आउटपुट आता है ना भैया वो हमें पता है कि बिल्कुल नेगेटिव आउटपुट आने वाला है वहां से, और लेकिन हमें उस वक्त तक वहां पर आदत पड़ जाती है वहां पर रुपए इन्वेस्ट करने की, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि यार उन्होंने इतना जीता, तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, एक बार हार गए दोबारा ट्राई करते हैं, तीसरी बार ट्राई करते हैं, क्या पता हम आगे से आगे इसके अंदर जीत जाएंगे, और हो सकता है कि आप उसके अंदर एक छोटा सा अमाउंट वहां पे जीत भी जाओ जो भी एक थोड़ा सा स्कैम होता है आप लोगों को वहां पर दोबारा से अट्रैक्ट करने के लिए, और आप दोबारा से वहां पर जीतने की कोशिश के अंदर फिर से अपनी मेहनत की कमाई को हार जाते हैं। अब ऐसे के अंदर भैया कुछ लोगों का यह कहना है कि भैया जो ड्रीम 11 है ना वो कोई तरह का जुआ नहीं है, कोई तरह का एक लोकल लेवल की बात की जाए तो यहां पर कोई तरह का सट्टा नहीं है, ये मतलब एक प्रोसेस है जिसके हम इसमें दिमाग लगाते हैं, हमारी वर्चुअल लाइफ के अंदर जो क्रिकेट के जो प्लेयर्स होते हैं उनको वहां पे सेट करते हैं और उनकी फील्डिंग, उनकी बैटिंग, कौन कितने रन बनाएगा, ये सब वहां पे वर्चुअली सेट किया जाता है। ऐसे के अंदर में ये कोई जुआ तो नहीं है, लेकिन आपको एक बात बता दूं यार, यहां पर मतलब ये जो एक मिथ है ना कि ये एक जुआ नहीं है, यहां पर ये टोटली एक जुआ ही है एक तरह से। अब ऐसे के अंदर स्टूडेंट्स है या फिर जो छोटे मोटे व्यापारी हैं या फिर जॉब करने वाले हैं, वो अपनी थोड़ी थोड़ी जो उनकी मेहनत की कमाई होती है, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो वहां पर वो अपनी जो पॉकेट मनी उनको मिलती है उसको डबल करने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में वहां पर उस पैसे को वहां पर इन्वेस्ट कर देते हैं, और वहां पर उन्हें मिलता कुछ भी नहीं है, उनका जो सारा का सारा जो पैसा है आउटपुट के रूप में उन्हें वहां पर एक जीरो मिलता है। और अगर बात करें ना कि यार मतलब ये क्यों चला जा रहा है यहां पे, तो एक बात हम आपको, यहां पर सोशल मीडिया के अंदर ऐसे कुछ फेक एप्लीकेशन है और मतलब ऐसे कुछ फेक पेजेस है जो इन्हें प्रमोट करते हैं, और आपको बताऊं कि यहां पर टीवी पर भी मतलब बहुत से ऐसे स्टार हैं जो इन्हें प्रमोट कर रहे हैं। सीधा सा हिसाब है कि अगर हम किसी क्रिकेट की चीज में पैसा लगाकर वहां पर मतलब पैसा वापस कमाने की अगर उम्मीद में लगा के बैठे हैं ना, तो वो एक तरह से जुआ ही है। अब लोगों का कहना ये भी जुआ तो वो चीज होती है जहां पर मतलब एक आमने सामने चीज आएगी, भाई तू हारेगा या फिर मैं हारूंगा, वो उसको हम एक जुआ कहते हैं, लेकिन यहां पर जो ड्रीम 11 है वो जुआ नहीं है, तो ये एक सरासर यहां पर एक मिथ है। ड्रीम 11 भी एक तरह से एक जुए का ही काम करता है, यहां पर बात यह है कि आप लाखों लोग एक साथ मिलकर यहां पर एक जुए पैसा लगाते हैं और वहां पर कुछ लोग भैया पैसा होता है जीत जाते हैं और कुछ लोग वहां पे हार जाते हैं, तो ये भी एक तरह से जुआ ही है। और इंडिया के अंदर जुआ जो है मतलब एक तरह से हम कहते हैं ना जो सट्टा है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है यहाँ पे, और मतलब लोगों ने जो है मतलब अलग अलग तरीके से इसको चलाने का एक यहाँ पे काम शुरू कर दिया है वहां पे। अब बात करें चाहे ड्रीम 11 की या फिर बात करें किसी और चीज की, तो बहुत से ऐसे एप्लीकेशन है जहां पर भैया हमारे जो यंगस्टर्स है उनको यहां पर अट्रैक्ट करके उनका जो मेहनत का जो पैसा है ना वहां पर इसको बर्बाद कर दिया जाता है। अब ऐसे के अंदर जब आईपीएल वगैरह आते हैं ना, आईपीएल की बात करें, T20 की बात करें, तो यहां पर इन एप्लीकेशन का जोर मार्केट में और ज्यादा हो जाता है। वहां पर आप हर फेसबुक पेज पे देखोगे, आप हर इंस्टाग्राम के पेज पे देखोगे, जहां पर कहीं ना कहीं आपको मतलब मिल जाएगा कि उसने जीते 51 लाख रुपए, उसने जीते 11 लाख रुपए, और हम थोड़े से लालच में आकर वहां पर हमारा पैसा इन्वेस्ट कर देते। तो यहां पर ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना, इसका मेन मोटिव यही है कि आपको किसी भी एप्लीकेशन के चक्रों में नहीं फंसना है, आपको अपनी मेहनत की जो कमाई है, चाहे पॉकेट मनी हो, चाहे आपकी सैलरी हो, चाहे आपका बिजनेस का प्रॉफिट हो, उन्हें किसी भी ऐसी एप्लीकेशन के पीछे यहां पर बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन सच होती तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाती, लेकिन गूगल प्ले स्टोर पर आपको ड्रीम 11 नाम की या फिर कोई भी क्रिकेट से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन होती है वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर भी आप फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर मतलब ये अगर कहते हैं ना 100% अगर एकदम सच होती तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाती, लेकिन सीधी सी कहानी यहां पर यह है कि अगर
आपको ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिल रही है तो सीधी सी बात है भैया कि गूगल को भी इसके अंदर यहाँ पे डाउट है कि यहाँ का जो पैसा है ना मतलब गलत जगह जा रहा है, ये पैसा डूबने के पूरे पूरे चांसेस है। अब ऐसे के अंदर ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बता सकूं कि यार जो ड्रीम इलेवन या फिर जो दो तीन एप्लीकेशन अभी आईपीएल के माहौल में या फिर आने वाले टाइम में T20 के माहौल में जो एप्लीकेशन चलती है जहां पर हम अपनी मेहनत की कमाई को थोड़े से प्रॉफिट के लालच में यहाँ पर लगा देते तो उनसे हम यहाँ पे बच पाए। फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि हमारे चैनल में भैया A30, सैमसंग M30 और गूगल होम मिनी का गिव अवे चल रहा है। अगर आप लोगों ने अब तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीनों के लिंक आपको यहाँ डिस्प्ले में दिखाई दे रही है। आप यहाँ जाइए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक्स और आपको कमेंट में बताना है कि आपको वो डिवाइस चाहे वो गूगल होम मिनी या फिर है वो सैमसंग M30 या फिर A30, आपको डिवाइस में क्या अच्छी बात लगी और आपको डिवाइस क्यों चाहिए, हो सकता है कि आप उसके नेक्स्ट विनर बन जाए। फिलहाल के दोस्तों वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।